पैसे रख कर आते हैं और पर्चा लिख कर आते हैं कि काम करो और जब तक काम न मिले आपकी हर चीज आपको मिलेगी। मैं भीख देने का आदि नहीं हूँ, मैं काम देने का आदि हूँ। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी कंपनी अगर कामयाब चली गई तो मैं इस कंपनी को बढ़ा दूंगा एक्टरों के साथ साथ उन तमाम टैलेंटेड लोगों को जो मुख्तलिफ शोबे में काम करते हैं, उनको हायर करूंगा, उनको लाऊंगा, उनको बताऊंगा कि मायूसी मत करो, मायूसी कुफ्र है, काम करो। काम जहन पे एक ही बात लेकर आओ कि हम काम के ज़रिए, इज्जत के ज़रिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मैं कामयाब होऊंगा क्योंकि मेरी नीयत साफ है, मेरी नीयत साफ है और मैं कामयाब होऊंगा। मैं उन तमाम लोगों को शिकस्त दे दूंगा जो जिनको मैं लेकर आया, इज्जत दी, पैसा दिया और जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, धोखा दिया, मैं उनके सामने सुरखरू होऊंगा, कामयाब रहूंगा। और ये उसी तरह से चप्पल जूते रोडों पे घिसकर भीख मांगेंगे काम की, लेकिन काम इनको नहीं मिलेगा। मुझे अल्लाह ताला बहुत दे रहा है, देता रहेगा, और मैं इन्हीं लोगों में से फिर ऐसे लोगों को लेकर आऊँगा, फिर लाऊंगा फिर चोट खाऊंगा। लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे सॉलिड, समझदार, अच्छे, टैलेंटेड, ईमानदार लोग मिलेंगे जो मेरी इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। मेरी कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या मैं कंपनी को बढ़ाऊंगा नहीं? क्या मैं दो आदमी की जगह चार आदमी की जगह 100 आदमी लेकर नहीं आऊँगा, 100 की जगह 1000 लेकर नहीं आऊँगा? तो क्या उन 1000 को जॉब नहीं मिलेगी? क्या वो अपने बच्चों के लिए कुछ काम नहीं कर सकेंगे? क्या वो अपना घर नहीं बना सकेंगे? लेकिन वही लोग चोट खाएंगे, वही लोग जो धोखा देते आए, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं उनको हमेशा शिकस्त देता रहूँगा। वो मुझे नुकसान पहुँचाकर मेरे मकसद को फेल करना चाहते हैं, मुझे मायूस करना चाहते हैं कि तुमने जो कदम उठाया है किसी तरह से भी कामयाब नहीं होगा, लेकिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश भी है और आपसे मेरा वादा भी है। आप देख लीजिएगा कि अल्लाह ताला इज्जत मांगने वालों को इज्जत देता है, इज्जत से काम करने वालों को इज्जत देता है, और मेहनत से काम करने वालों को रोज़गार देता है। और जब मेहनत से रोज़गार और इज्जत जब मिलती है तो वो शख्स कभी मायूसी का शिकार नहीं होता है। वो अपने मुल्क के लिए काम करता है, बहुत काम करता है और फिर मेरे मुल्क का नाम रोशन होता है। मेरी एक ही गरज है, एक ही मकसद है, मुझे तुम पागल कह दो लेकिन मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वतन के फायदे के लिए हर वो काम करता रहूँगा, चाहे तुम लोग मुझे हमेशा नुकसान पहुँचाते रहो। इधर आओ मेरे पास, ये न्यू टैलेंट है। ये है वो शख्स, एक्टर बनने आया, माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन आते इसने एक काम ऐसा किया है कि सब हंसेंगे। इसने प्रपोज किया इनको शादी का, और मैं चाहूंगा कि दोनों मिलकर शादी कर रहे हैं तो मेरी कंपनी में एक शादीशुदा जोड़े का भी हिसाब हो जाएगा। तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मान लो इसकी बात, इसकी बात मान लो, बहुत अच्छा है, इज्जत देगा, काम तो उसके पास बहुत है, तुम्हें इज्जत से नवाजेगा, तुम्हारी कदर करेगा। मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए फ़ायदा सोचते हैं। देखो ना, इसने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई धोखेबाजी नहीं की, डायरेक्ट इसने उससे प्रपोज किया और मुझे कहा बॉस मैं ये चाहता हूँ, तो मुझे खुशी हुई। ये हैं मेरी कंपनी के खास लोग, खास दोस्त, ये मेरे साथ बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर, हम लोग दुबई जा रहे हैं, वहाँ हमारी मीटिंग है, खास मीटिंग, वहाँ हमारी मीटिंग में हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हैं। मेरी अपनी कंपनी वहाँ की एक बड़ी कंपनी से मिलकर को प्रोडक्शन के तहत फिल्म बना रही है, जिसमें पाकिस्तान के फनकारों के साथ साथ इंडिया के मशहूर फनकार काम करेंगे, शाहरुख, सलमान वगैरह सब मेरी इस फिल्म में काम करेंगे, जिसको तुम शायद मजाक समझो लेकिन वो लोग मेरी बड़ी तुम भी काम करोगे मेरे साथ,
तुम्हारे लिए मैंने खास किरदार लिखवाया है। मैं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान के तमाम फनकार हिंदुस्तान के फनकारों के साथ काम करें तो किसी तरह भी कम ना हो। सबके किरदार हम पल्ला है, सबके किरदार किसी से कोई कम नहीं है, तो वो अपने टैलेंट से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये है मेरे खास दोस्त और इन लोगों ने इस मुल्क के लिए मेरा हमेशा साथ दिया। इस झंडे को लहराने में इन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया और जब फिल्म कामयाबी से हमकनार होगी तो पाकिस्तान का नाम फिर रोशन होगा और दुनिया के रक्षे पर ये पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की इज्जत करो। बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। ये अवार्ड मैंने इसी पहली के फिल्म में हासिल किया, जबरदस्त, जब भी वो कोई प्रोडक्शन हुई थी। और ये पाकिस्तान जिंदाबाद। बातों से कि हमें भी मौका मिल जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, अलग तो मुझे एक काम वाले और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इनके दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। मैंने तो काफ़ी नाम सुने हैं, काफ़ी फिल्में बनाई हैं इन्होंने, काफ़ी गाने वगैरह बनाए हैं, बहुत काम किया है। और अब तो सुनने में आ रहे हैं मुझे बड़ी उम्मीद है यहाँ से। जाहिर बात है उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को चांस दिया है, तो हमें भी जाहिर बात है वो चांस देंगे काम करने के लिए। फिर देखते हैं अल्लाह वाले के क्या होता है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन तुम मॉडल हो, पता चल जाता है शख्सियत देखकर, स्टाइल देखकर, फेस देखकर और खूबसूरती देखकर कि ये मॉडल है। और जो खूबी मॉडल में होती है वो तमाम खूबी तुम्हारे अंदर मौजूद है। मेरे पास बेशुमार लड़कियों की तस्वीरें हैं जो इस मोबाइल में मैं तुम्हें दिखा सकता। ये तो आपका बड़ा पन है, तुम्हारे अंदर मॉडल की सारी खूबी मौजूद है। ये खूबसूरत भी हो, स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ब्यूटी है तुम्हारे अंदर, लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर ही पता लगा लेता है कि इसमें कितना टैलेंट है। मैं तुम्हारे टैलेंट के लिए कुछ नहीं कहूँगा अभी, बजाय तो खूबसूरत हो, स्टाइल भी खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें टैलेंट कितना है ये तुम्हें नहीं पता। हाँ, हम जैसे डायरेक्टर जो टैलेंट को ढूंढते हैं, उस टैलेंट को निकालते हैं जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है, उससे वो सामने जब आता है तो दुनिया में रोशनास होता है, फेमस होता है। और ये मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ही निकालता है फनकार को बाहर, उसके अंदर के टैलेंट को रगड़ता है, उसको बहुत यानी कि पॉलिश करता है। जब सच क्या मेरा सपना पूरा हो जाएगा? सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन टैलेंट देखकर। टैलेंट हुआ तो ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में तुम रोशन हो जाओगे, दुनिया में पहचानी जाओगे। टैलेंट आगे बढ़ाता है, खूबसूरती स्टाइल सबके होते हैं, लेकिन उसको बनाने में डायरेक्टर बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम तैयार रहो, मैं तुमसे काम लूंगा और ऐसा काम कि तुम्हारे अंदर का टैलेंट फौरन बाहर आएगा। यार परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया, कभी इसके पास कभी उसके पास, क्या करूँ अब समझ में नहीं आ रहा है। पर देखो इनके पास आया हूँ, ये अच्छे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, नाम तो सुना होगा, शेर खान बलोच, बहुत बड़ा नाम है, और इंशाल्लाह हमें अब यहाँ काम मिलेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोशिश करते हैं,
बंदे तो बहुत अच्छे हैं, बेइंतहा इनके लिए लोगों के मुंह से तारीफें सुन रहा हूँ, बस यार उम्मीद जागी है। यार मैं बड़ी परेशान हूँ, यहाँ पर आई हूँ, लोगों ने बड़े धोखे दिए हैं, बहुत बातें बनाई हैं, मतलब कोई काम नहीं देता, सिर्फ आश्रय देते हैं। तो यहाँ पे किसी ने मुझे बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जरूर काम आई हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अल्लाह पाक ने तो दुआ की, तुम्हारा भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। चलो अच्छा, टेंशन मत लो, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा नंबर आ जाएगा और फौरन जाके ऑडिशन दे देना, ठीक है। सपना सपना बोझ बुला रहे। मैडम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं आपके पास आई हूँ मॉडल बनने के लिए, कुछ बनने के लिए आई हूँ, आप बना सकते हैं? अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत हो तुम। अब ये देखना है कि टैलेंटेड कितना आप में। खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट जो है वो इंसान को आगे बढ़ाता है। टैलेंट देखने के लिए तो डायरेक्टर अपने सारे कुलपुर्जे निकाल लेता है, वो जांच तो लेता है कि इसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। सर आप बस हुक्म करें। चश्मा लगाती हो तो यकीन नजर का होगा। मैं तो कहता हूँ कि लेंस लगवा लो जो तुम्हारी खूबसूरती में और इजाफा कर देगा। तू चश्मा फिल्मों में नहीं चला करता, करेक्टर के हिसाब से हम चश्मे जरूर पहनाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट के लिए चश्मा जरूरी नहीं है। उसको कंप्लीट सामने आना चाहिए, पूरा चेहरा। अब देखो तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बाल देखे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। अब चश्मा आंखें छुपा देता है और ये बाल तुम थोड़े से और बड़े करो, मजीद अच्छे लगे। हम अपने हिसाब से कटिंग करवा लेंगे, बड़े हो ना तो किरदार की डिमांड के हिसाब से बाल कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह तुम चश्मा उतार दो, लेंस लगाओ जो तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा करे। कितनी खूबसूरत आँखें हैं तुम्हारी माशाल्लाह। देखो मैं देख रहा हूँ कैमरे के नूर से कि बहुत खूबसूरत हो तुम माशाल्लाह, और तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम्हारा जो टैलेंट है और मजीद टैलेंट को निकालने में पूरी कोशिश करूँगा और दुनिया को रोशन करा दूँगा। ओके जाओ, अल्लाह हाफिज़।